हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बार बेंच रिलेशनशिप। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बार और बेंच होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक ही मशीनरी के। तो जब तक ये दोनों पार्ट्स हारमोनियसली काम नहीं करते हैं तब तक जस्टिस प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं हो सकता है। जिस कोर्ट हॉल में केसेस को कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बेंच और बार। वो जगह जहाँ पर जजेस बैठते हैं उसे बेंच कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर एडवोकेट्स बैठते हैं उसे बार कहते हैं। जो टर्म है बेंच वो रिफ़र करती है जजेस के लिए, और जो टर्म है बार वो रिफ़र करती है एडवोकेट्स को। बार बेंच रिलेशनशिप एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है जजेस और एडवोकेट्स के बीच में। लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी के ऊपर और उसके साथ ही जो स्पीडी जस्टिस है, वो दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती है कॉर्डियल रिलेशनशिप के ऊपर जो कि जजेस और एडवोकेट्स के बीच होती है। एडवोकेट्स का रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जजेस के जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। जस्टिस प्रोवाइड करना एडवोकेट्स और जजेस दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रोल ऑफ द बार टू स्ट्रेंथन बार बेंच रिलेशनशिप। बार बेंच रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एडवोकेट्स हैं उनको ये फॉलोइंग स्टेप्स लेनी चाहिए। जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें जजेस का सम्मान करना चाहिए और जजेस के खिलाफ गलत बात नहीं कहनी चाहिए, ना उन्हें जुडिशरी की बुराई करनी चाहिए। जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें जजेस की मदद करनी चाहिए ट्रायल के दौरान, उनके सामने जो रिलेवेंट केसेस हैं और जो रिलेवेंट लॉज हैं उनको करेक्ट मैनर में प्रेजेंट करके। एडवोकेट्स को ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए जिस वजह से जो जजेस हैं वो इरिटेट हो जाएं। अगर जो एडवोकेट हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो जजेस हैं उनके द्वारा गलत ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है, तो उन्हें उस ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बट इंस्टेड अपील के लिए जाना चाहिए। अपने पक्ष में फैसला लाने के लिए जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें जजेस को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, ना ही उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जो एडवोकेट हैं वो जजेस के बिहेवियर से असंतुष्ट हैं या फिर उन्हें किसी बात का बुरा लगा है, तो उन्हें डायरेक्टली जज को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर जो एडवोकेट्स हैं उन्हें बार एसोसिएशन का सहारा लेना चाहिए और उनके थ्रू जजेस से बात को डिस्कस करनी चाहिए। रोल ऑफ द बेंच टू स्ट्रेंथन बार बेंच रिलेशंस। अब हम इसमें समझेंगे कि जो बार बेंच रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जजेस के द्वारा क्या स्टेप्स ली जाने चाहिए। जिस तरह से जो एडवोकेट्स होते हैं वो जजेस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आदर सम्मान देते हैं, उसी तरह से जजेस को भी एडवोकेट्स को आदर सम्मान देना चाहिए। जजेस को केस को बहुत ज़्यादा पेशेंटली सुनना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो मन में ही किसी के पक्ष में सोचने लग जाए। उन्हें यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी कोशिश करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को हार्म हो। जजेस को पक्ष विपक्ष और किसी के फेवर में नहीं सोचना चाहिए, उनको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के बारे में सोचकर ही केस को सुनना चाहिए। जजेस को एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एडवोकेट्स को, ताकि जो एडवोकेट्स हैं वो पूरे केस को प्रेजेंट कर सकें। जो जजेस हैं उन्हें इम्पार्शियली काम करना चाहिए, यहाँ पर उन्हें किसी एडवोकेट या फिर किसी पार्टी के फेवर में काम नहीं करना चाहिए। जितनी हद तक हो सके जो जजेस होते हैं उन्हें इंटरप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। जब जो एडवोकेट है वो एग्जामिन कर रहा है विटनेसेस को, तो यहाँ पर जो जजेस होते हैं उन्हें एडवोकेट को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर जजेस के द्वारा इंटरफेरेंस किया जाता है और एडवर्स कमेंट्स दी जाती है, तो एडवोकेट्स जो होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो जजेस का इंटरप्शन है उसे सही माना गया है। अगर जो जज हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो एडवोकेट है वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिस वजह से समय खराब हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो इंटरप्ट करके एडवोकेट को ये बात क्लियर कर सकते हैं कि किसी बात को बार बार रिपीट ना किया जाए। किसी बात की रेलेवेंसी को चेक करने के लिए जो जज हैं वो इंटरप्शंस कर सकते हैं। अगर जज ऐसा चाहते हैं कि किसी बात का उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया जाए एडवोकेट्स के द्वारा, तो ऐसे टाइम पर वो इंटरप्ट करके क्लैरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।
जजेस इंटरप्शन तब भी कर सकते हैं जब वो कोर्ट का व्यू बताना चाहते हों किसी भी पॉइंट पे। अगर जजेस को ऐसा प्रतीत होता है कि जो केस है वो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस के लिए एडवोकेट्स को इंटरप्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की प्रोसेस के दौरान ऐसा कितनी ही बार समय आता है जो जजेस होते हैं उन्हें एक्ट्स को, रूल्स को, कोर्ट रेगुलेशंस, ऑर्डर्स को, नोटिफिकेशंस को, सर्कुलर्स को, बायलॉज को इंटरप्रेट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना होता है कि जो एक्चुअल मीनिंग है प्रोविज़न का वो सामने आ सके और किसी भी तरह की एम्बिगिटी को या फिर इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया जा सके। ऐसे समय पर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ में कि जो भी पार्टीज़ हैं उन्हें कंप्लीट जस्टिस दिया जाए। जजेस को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक जो ग्राउंड्स है वो रीज़नेबल और सफिशिएंट ना हो तब तक एडजर्नमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो यहाँ पर जो जजेस होते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो केस है उसको जल्दी डिस्पोज किया जा सके। जजेस के द्वारा अनवॉरंटेड कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। अगर जजेस को ऐसा लगता है कि जो कोई भी एडवोकेट है उसके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है, तो ऐसे समय पर जो जज हैं उन्हें कोर्ट के सामने इस बात को नहीं कहना चाहिए कि किसी भी एडवोकेट के पास में पर्याप्त नॉलेज नहीं है। बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के जो जजेस होते हैं उन्हें एडवोकेट्स को ये नहीं कहना चाहिए कि उसे कोर्ट से बाहर जाना चाहिए। जजेस के पास में डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए लॉ का, और साथ में इनके पास एक एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर लॉ को डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकें और सही डिसीजन तक पहुंच सकें। ये जजेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। जजेस के लिए ज़रूरी है कि वो ऑनेस्ट हों और मॉरली अपराइट हों, उनका जो कैरेक्टर है और जो कंडक्ट है उसे उम्दा होना चाहिए। जजेस को सिस्टमैटिक होना चाहिए, और अगर लॉ में कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऐसे चेंजेस से जजेस को अपने आप को रेगुलरली अपडेटेड रखना चाहिए। बार बेंच रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एडवोकेट्स होते हैं और जो जजेस होते हैं उन्हें रेगुलर मीटिंग्स रखनी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख सके और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट किया जा सके। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है बार बेंच रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमने देखा कि बार और बेंच के द्वारा ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे बार और बेंच के रिलेशनशिप को बेटर बनाया जा सकता है।